नमस्कार, इस वक्त हम JNU से आपके साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ ओजान जेम, जन्नत और हंदे, तीनों अंकारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। फिलहाल शूलिनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में एक्सचेंज प्रोग्राम में आए हैं। आप कमेंट के माध्यम से कंफर्म करें कि आपको आवाज़ ठीक से सुनाई पड़ रही है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं करीब एक साल अंकारा विश्वविद्यालय में अभी रह के आया हूँ। वहाँ पे ये मेरे विद्यार्थी थे और इनसे अच्छा दोस्ताना भी है, और ये बहुत दिलचस्प मौका था कि मेरे आने के ठीक बाद ही ये यहाँ पर एक एक्सचेंज प्रोग्राम में आए हैं और अपने अनुभव साझा करेंगे आज आपके साथ में। आप बताएं कि आवाज़ ठीक आ रही है हम लोगों की? क्या आप ठीक से सुन पा रहे हैं? ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही है। तो जब कोई विद्यार्थी, कोई व्यक्ति दूसरे देश जाता है तो उसके अनुभव भिन्न प्रकार के होते हैं। वो अपने देश से तुलना करता है, अपने समाज से तुलना करता है, कुछ मुश्किलें आती है, कुछ चीज़ें खूबसूरत लगती है। तो हम बात शुरू करते हैं ओजान से। ओजान, आप बताइए कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं अंकारा में? अंकारा में हम भारतीय विद्या शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसको अंग्रेज़ में इंडोलॉजी कहा जाता है। वो ऐसा विज्ञान है जिसमें भारत के बारे में किसी भी विषय का अध्ययन किया जाता है, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। और दूसरे साल में हमको एक मौका मिला भारत आने का। वो एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से आए हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में सोलन में शूलिनी विश्वविद्यालय में हम पढ़ाई कर रहे हैं। 6 महीने के लिए आए हैं। जन्नत, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं अंकारा में? संस्कृत भाषा पढ़ते हैं और हिंदी भाषा, इंडियन फिलोसफी। आप अपना नाम बताइए और बताइए आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? हिंदी भाषा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हांडे है। हम हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं एंड हिंदी, इंडियन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय। माफ करिए, फोन है। इंटरप्शन के लिए हम माफी चाहते हैं, ये व्यवधान था। तो ये तीनों विद्यार्थी वहाँ पर इंडोलॉजी पढ़ रहे हैं। जो मित्र इंडोलॉजी के बारे में नहीं जानते, उनको मैं बताना चाहूँगा कि भारत के बारे में, खासतौर पे अंग्रेजों ने या पाश्चात्य विद्वानों ने, वो यहाँ पर आए, यहाँ से कुछ सीख करके गए और यहाँ के बारे में अध्ययन के लिए अपने यहाँ पर विभाग खोले। उन विभागों में भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति, प्राचीन साहित्य, इन तमाम विषयों का अध्ययन कराया जाता है और उसको सम्मिलित रूप में इंडोलॉजी कहा जाता है, भारत विद्या। और ये तीनों विद्यार्थी अंकारा विश्वविद्यालय के भारत विद्या या इंडोलॉजी विभाग में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और एक एक्सचेंज प्रोग्राम में आए हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने इंडोलॉजी को क्यों चुना? क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा बड़ा देश है और हर राज्यों में अलग संस्कृति हैं, परंपराएं हैं, और मुझे बचपन से शौक था ऐसे विदेशी भाषाओं सीखने में। और जब मैं हाई स्कूल में आया था, मैंने सोचा है कि मैं कोई भी पूर्वी भाषा सीखना चाहता हूँ, जैसे कि चीनी, जापानी, फारसी, जो भी है। और मैंने परीक्षा दी है और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं भारतीय विद्या शास्त्र पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद ऐसे अपने आप सुधर गए हैं सब कुछ। हाँ, बहुत अच्छा।
तो आप भारत कब आए? जन्नत आप भारत कब आए? 3 महीना हो गया, 15 जनवरी जाऊंगी। 15 जनवरी को वापस आए। हमारे साथ एकलव भी है। एकलव आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, आपने बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। हाँ हंदे, आपको भारत के बारे में कैसा लगा भारत आकर के? अच्छा लग रहा, अच्छा बहुत लगा, बहुत अच्छा लग रहा। भारत, तुर्की और भारत के अगर आप देखें तो जैसे मैं गया यहाँ से तो मैंने देखा कि काफी साफ सुथरा देश है, बहुत सिस्टमेटिक है चीजें। भारत में शायद हम उतने सिस्टमेटिक अभी नहीं कर पाए हैं चीजों को, कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी आबादी ज्यादा है और दूसरी कई मुश्किलें हैं जिसकी वजह से, लेकिन चीजें काफी बदली है। तो अगर आप देखें तो क्या चीजें हैं जो भारत की तरफ आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती हैं? आई थिंक जस्ट बिग प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन, अदरवाइज एवरीथिंग ओके फॉर अस। सबसे बड़ी समस्या पोल्यूशन की है। मित्रों आप लोग भी देख रहे होंगे कि अभी अखबारों में आ रहा है कि पोल्यूशन का लेवल 300 से ऊपर, 350 से ऊपर चल रहा है। इस बार पिछले वर्षों की तुलना में दिवाली पर तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति रही, कम पटाखे चलाए गए कम से कम दिल्ली में, इससे प्रदूषण पिछले साल की तुलना में कम है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। सुबह से सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। ओजान आप कैसे देखते हैं भारत को? मुझे सबसे ज़्यादा यह अच्छा लगा कि जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे संस्कृति बहुत बड़ी है और हम तो सोलनी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, यहाँ सब लोग मिश्रित हैं, मतलब अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और उन लोगों की बोली अलग है, भाषा अलग है, परंपराएं अलग है। इन सब चीज़ों को जानकर हमें बहुत बड़ी खुशी होती है। बहुत अच्छा। एकलव ने मेरे कान में आकर के कहा कि आपने ये तो बताया नहीं कि मेरा बर्थडे है कल, तो अभी कल 30 तारीख को एकलव 5 साल के हो रहे हैं, आपको हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कोई भी आदमी बाहर जाता है तो उसको सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है खाने की और मौसम की, तो मौसम और खाने के बारे में बताइए आप कैसा तजुर्बा रहा? मेरे को तो खाने की कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मुझे मसालेदार खाना बहुत पसंद है, मैं वहाँ भी खाता हूँ तुर्की में, इसलिए मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे अगर खाने की बात करेंगे तो मुझे ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि खानों में तेल ज़्यादा होता है और मसाला तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा होता है, पर अच्छा भी लगता है हमें। हाँ, तो आपको यहाँ का खाना कैसा लगा, भारत का खाना? अच्छा लगा। हाँ बस little bit मिर्ची मिर्ची थोड़ी ज़्यादा है। खाना पसंद आया लेकिन मिर्ची थोड़ी ज़्यादा है। ये आवाज़ ठीक से आ सके इसलिए मैंने ये माइक पकड़ा हुआ है। आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये माइक पकड़ा हुआ है ताकि हम ठीक से सुन सकें। और ओजान, जैसे तुर्की एक देश है जहाँ पर ज़्यादातर लोग एक भाषा बोलते हैं, उसकी थोड़ी बोलियाँ हैं लेकिन एक ही भाषा है मुख्य तौर पर। एक भारत है जहाँ पर 700 भाषाएं हैं और आप खुद भी गुजराती, उर्दू, बांग्ला ये सब भी सीख रहे हैं हिंदी के साथ में, पंजाबी, हाँ तो इतनी भाषाएं आप सीख रहे हैं, तो ये इस भारत की जो बहुभाषिकता है, मल्टीलिंगुअलिज्म, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत चीज़ है, या आपके आपका क्या नज़रिया है इसके बारे में? मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि संस्कृति इसलिए तो बहुत सुधर जाती है, बहुत बड़ी होती है क्योंकि जीवित तो बहुत सारी भाषाएं, आप तेज बोलिए, बहुत सारी भाषाएं हैं, जीवित भाषाएं तो बहुत है, हर राज्यों में अलग है ऐसे बोल सकते हैं, और एक भाषा की बोलियाँ भी बहुत है, कई बोलियाँ हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी इंडोलॉजी का विद्यार्थी जो है अगर भाषाओं की पढ़ाई करना चाहते हैं तो हिंदी काफ़ी, केवल हिंदी तो काफ़ी नहीं है क्योंकि भारत को समझने के लिए हमें हिंदी और हिंदी जैसे आधुनिक भाषाएं और सीखनी चाहिए। तो अगर मैं पूछूं आपसे, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये लोग करीब 10 दिन से दिल्ली में हैं और दिल्ली इन्होंने घूमा। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि दिल्ली में आप लोगों ने क्या क्या घूमा, उसके बाद हम भाषाओं पर फिर जाएंगे। जन्नत क्या घूमा दिल्ली में, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा?
सब प्लेस अच्छा था. क्या क्या घूमा आपने? लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, माय फेवरेट कुतुब मीनार. कुतुब मीनार सबसे ज्यादा पसंद आई आपको? यस. क्यों? वहां ऐतिहासिक होता है इसलिए मैं पसंद है. ठीक है. और कल हम कहाँ पे गए? कल हम इंडिया गेट गए पहले, उसके बाद हम बटला हाउस के मार्केट में खरीदारी करने के लिए, ये देखने के लिए कि दिल्ली के पुराने बाजार या भीड़ वाले बाजार कैसे हैं. जामा मस्जिद भी गए और चांदनी चौक भी देखा और पहाड़गंज भी गए. आपको क्या चीज़ पसंद आई हमने? लोटस टेम्पल. वो सबसे खूबसूरत लगा आपको? लोटस टेम्पल. इट वॉज माई ड्रीम. हाँ, लोटस टेम्पल खूबसूरत है. और मैं आपको भाषाओं के बारे में कह रहा था, तो इतनी भाषाएं अब आप लोगों से बोलते हैं, भारत के लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है जब आप भारतीय भाषाएं बोलते हैं? उनका प्रतिक्रिया होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि कोई भी भारतीय किसी भी विदेशी से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो हमारी मातृभाषा बोले या कोई भी भारतीय भाषा बोले. इसलिए सबसे पहले तो ज़्यादा खुशी होती है, और उन कभी कभी उन लोगों को विश्वास भी नहीं होता कि ये हिंदी बोल रहे हैं. जैसे कि ये हुआ था कि मुझे कोई दिक्कत हो रही थी, तो मैंने किसी भी भारतीय को रोक के मैंने बोला, मैंने पूछा उससे कि मैं वहाँ कैसे जाऊँगा, यहाँ से बस मिलती नहीं, बस आती नहीं. वो मतलब मैंने तो लगभग 5 मिनट अपने समस्या समझा दिया उनको, वो फिर भी अंग्रेजी में समझा रहे थे, मुझे उसको विश्वास भी नहीं हो रहा था. फिर मैंने कहा कि हिंदी में बोलिए, मुझे हिंदी समझ में आती है. उसको बहुत खुशी हुई थी. फिर उसने भी कहा कि मैं अंग्रेज़ी में बता रहा था आपको, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था. हाँ, ये सिर्फ विश्वास की बात भी नहीं है, हमारे अंदर एक अपनी भाषाओं को लेकर हीनता बहुत. जैसा लोग सामने वाला, जैसे ओजान के साथ ऐसा होता है, दो चीज़ें इन्होंने मुझे दिलचस्प बताई. एक ये कि अगर ये हिंदी में लोगों से बात पूछते हैं कोई, तो लोग जवाब अंग्रेजी में देते हैं. दूसरा, इनका एक दुख भी है कि लोग इनको अंग्रेज समझते हैं, सिर्फ गोरा होने की वजह से. क्योंकि भारत में यही धारणा है कि जो गोरे हैं वो अंग्रेज हैं और अंग्रेज लंबे समय तक रहे, तो ये अंग्रेज नहीं है, ये तुर्की हैं. और अगर इनकी नस्ल है वो तुर्की है, इसलिए अंग्रेज कहने पर लगेगा कि भाई ये तो हमें अपमानित कर रहे हैं. बिल्कुल. तो आप लोग ये इंडोलॉजी पढ़ करके या हिंदी पढ़ करके आगे क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हंदे, आप बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? I want to learn completely Hindi bhasha, Hindi language, and I want to learn completely Indian culture. This is my first. ठीक है, आप हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हैं. एकलव्य, आप क्या कहना चाहते हैं? काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं, बताइए. मुझे कुतुब मीनार पसंद है और लोटस टेंपल. अच्छा, इनको कुतुब मीनार और लोटस टेंपल दोनों पसंद है. हाँ, जिन्हें, आप क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं भारत के बारे में पढ़ करके? भारत विद्या क्यों पढ़ रही हैं? मैं चाहती हूँ संस्कृत भाषा पढ़ना. संस्कृत भाषा मेरे लिए इम्पोर्टेंट, संस्कृत के ग्रंथ आपको पसंद आते हैं, संस्कृत की किताबें आपको मुश्किल नहीं लगती? संस्कृत मुश्किल, लेकिन मैं पसंद हूँ. आप क्यों इतनी भाषाएं सीख रहे हैं? मैं बहुत अच्छा सवाल है. मैं सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे शौक है. और अगर इसका जवाब देना चाहेंगे कि 10 साल बाद क्या बनने चाहेंगे, कि मैं ये सबसे पहले ये करना चाहता हूँ, तुर्की लोगों को दिखाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि भारत में कई जीवित भाषाएं हैं. क्योंकि तुर्की में ऐसे मतलब ऐसा माना जाता है कि हिंदी तो एक ही है, मतलब हिंदी नहीं, मतलब भारत में एक ही भाषा बोली जाती है. ये तो बिल्कुल गलत है, और उनको मालूम भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है. तो मैं ऐसे आधुनिक भाषाओं की पढ़ाई करके, किताबें लिख के
और प्रकाशित करवा के उनको दिखाना चाहूंगा। और आप बताइए आपके दिल्ली के अनुभव कैसे रहे? दिल्ली में आप दिल्ली? जो एक हफ्ते से ज्यादा समय से है, कैसा रहा दिल्ली? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे भीड़ जगह बहुत पसंद है। ऐसी जगह पसंद है जिसमें जिंदगी तेज चलती है, भीड़ है, गाड़ियां हैं, शोर है। हिमाचल तो ज़्यादा शांत है, वहाँ भी वहाँ हम शहर से भी दूर हैं इसलिए कभी कभी बोर हो जाते हैं क्योंकि क्लासेस भी कम लगती हैं, पर उसके अलावा तो सब कुछ अच्छा है। दिल्ली में प्रदूषण की बात है, प्रदूषण के अलावा सब कुछ हमें बढ़िया लगा। हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री वो कोशिश कर रहे हैं, नए नए नियम लाते हैं जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, प्रदूषण कम हो। इस बार पटाखों पे पाबंदी थी, फिर वाहनों पर भी पाबंदी होती है। वो एक आदर्श दुनिया है जब पॉल्यूशन एकदम कम हो जाएगा, हम उसके इंतजार में जिएंगे कि वो होगा संभव। और भारत की संस्कृति के बारे में कुछ बताएं जो आपको दिलचस्प लगता है, यहाँ के ऐसे त्यौहार, रीति रिवाज, परंपराएं जो आपको लगता है कि ये बहुत दिलचस्प है और पूरी दुनिया के लोगों को शायद आकर्षित करती है ये चीज़, ऐसी क्या बातें? हाँ जी, जैसे मैंने पहले बताया था कि संस्कृति बहुत बड़ी है यहाँ, और वो अलग अलग धर्म है और हर धर्म की अपना अपना ऐसे त्यौहार होता है, लोग मनाते हैं, हमने भी मनाया है। और हमने नवरात्रि मनाई, दिवाली मनाई, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे त्यौहार हैं और ये सब चीज़, मतलब लोग तो मनाते रहते हैं, भूलते नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ कि मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगता है कि त्यौहार की वजह से कभी कभी छुट्टी होती है पर अगर वो ना हो तो उसके अलावा सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर छुट्टी नहीं होगी त्योहार मनाएंगे कैसे, फिर तो ऑफिस जाएंगे सब लोग। वो भी सही बात है, आप सही कह रहे हैं। ये आपकी फीलिंग मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा कि 6 महीने तक जब वो ईद आई, ईद से पहले कोई छुट्टी नहीं आई। 6 महीने मैंने काम लिया, एक भी छुट्टी नहीं आई। भारत में हर हफ्ते नहीं तो 15 दिन में कोई ना कोई सरकारी छुट्टी, कोई ना कोई त्यौहार, क्योंकि यहाँ पे इतने समुदाय रहते हैं, इतनी संस्कृतियों के लोग हैं, सबके त्यौहार हैं। अभी तो और बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि उनके त्यौहारों पर भी छुट्टी की जाए, जैसे बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर के बात है कि उसमें छुट्टी होनी चाहिए, या और भी लोग, और भी समुदाय हैं जिनकी संख्या कम है लेकिन उनके भी त्यौहार महत्वपूर्ण हैं। तो एक तो त्यौहार वाली बात हुई, दूसरा खाने को लेकर के, कल आपने जामिया में, और पहले आप खा रहे हैं तो मिर्ची थोड़ी ज्यादा है, मिर्ची बिल्कुल। और यहाँ के पहनावे को लेकर के, यहाँ कपड़े जो है लोगों के, वो कैसे आपको लगते हैं? जो भारतीय परिधान है, खासतौर पर लोग जैसे साड़ी पहने हुए हैं, ज्यादातर महिलाएं मिलेंगी, वो मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पारंपरिक है। मुझे पारंपरिक चीजें, कपड़े, वस्त्र बहुत पसंद है। और जब मैं ऐसे रास्तों में, सड़क पे देखता हूँ कि महिलाएं ऐसे पहनी हुई है पारंपरिक कपड़े, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कुछ लोग भारत में इस जमाने में शायद क्या बोल सकते हैं उसको, अपनी संस्कृति भूलने लग गए हैं ये कपड़ों की वजह से। कपड़ों से भी पता लगता है, भाषा से भी पता लगता है। और जब मैं ऐसे देखता हूँ कि वो पारंपरिक कपड़े पहने हुए हैं और वो भाषा का प्रयोग भी अच्छे से करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको यहाँ के खाने में क्या पसंद आया? क्योंकि यहाँ के खाने में तो तुर्की से एकदम अलग है चीजें। क्या चीज पसंद आई और क्या चीज नहीं पसंद आई? Generally मिठाई पसंद करती हूँ, सब मिठाई पसंद करती हूँ, लेकिन भारतीय खाना पसंद नहीं करती हूँ। भारतीय खाना पसंद नहीं करती, मिठाई पसंद करते हैं। Yes, रोटी पसंद नहीं है? रोटी पसंद हूँ, लेकिन सब्जी में मिर्ची ज्यादा है और मसाला तेल ज्यादा है। मिर्ची है, बहुत मिर्ची है। मिर्ची नहीं खा सकती हूँ, इसलिए। और सिर्फ आलू पराठा खा सकती हूँ। आलू पराठा? आलू पराठे में भी तो मिर्ची है। वो चलेगा। आपको क्या खाना पसंद आया?
बिरयानी बिरयानी कहाँ से आपने बिरयानी खाई? दिल्ली में। दिल्ली में बिरयानी खाई आपने? पहाड़गंज में। पहाड़गंज में? हाँ पहाड़गंज में बिरयानी। वेज बिरयानी? इतना तो याद नहीं है मुझे, बहुत भूख लगती है, बिना सोचे खा रहा था। हाँ और वहाँ पे सुलनी में क्या खाना मिलता है, कैसा खाना है वहाँ पे? पहाड़ों का तो ज्यादा नेचुरल होगा, ज्यादा ऑर्गेनिक होगा। एक्चुअली मैस में मिलता है इसलिए इतनी तारीफ तो कर नहीं पाऊंगा मैं फिलहाल। समझ सकता हूँ मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, आपको भी अनुभव है। अनुभव है जी बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीजें तुर्की की जो है यहाँ पे आप मिस कर रहे हैं कि ये भी होता है यहाँ पे तो कितना अच्छा होता, ऐसी कौन सी चीज है जो आप तीनों अपना अपना बताएं कि ये भी चीज होती है हिंदुस्तान में तो कितना बढ़िया रहता? क्या कुछ खाने की याद आ रही है? जैसे उसके जैसे चीक कोफ्ते की बहुत याद आ रही है। चीक कोफ्ते मुझे भी पसंद है, चीक कोफ्ता। हाँ, उसके अलावा मुझे तुर्की का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र की बहुत याद आ रही है। कौन सा है पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र? जैसे कि खेमेंचे है जो उत्तर तुर्की का वाद्य यंत्र है, उसकी याद बहुत आ रही है, मुझे सुनना है बजाना है। पर हम लोग तो दो तीन महीने तो बचे हैं, हम वापस जाएंगे। पर अगर भारत में हो उस तरह चीजें तो मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया। भारत में तो बहुत तरह के वाद्य यंत्र हैं पारंपरिक वो, लेकिन अभी हम ज्यादा देख नहीं पाए हैं, मौका नहीं मिला अभी तक। आप तुर्की की क्या चीज मिस कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट मिस कर रही हूं। ब्रेकफास्ट क्या? चीज। चीज हाँ मैं आपको बताना भूल गया, तुर्की में कोई 20 तरह का चीज मिलता है, अलग अलग तरह का, बहुत ही बढ़िया चीज मिलता है। पनीर तरह तरह का मिलता है, और जो जो भी दूध से बने हुए प्रोडक्ट है सब बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं और तरह तरह के मिलते हैं। आवाज कम आ रही है, मेरी आवाज कम आ रही है या सभी की कम आ रही है या इनकी कम आ रही है? हाँ आप तुर्की की क्या चीज मिस कर रही हैं? ब्रेकफास्ट क्या है बताइए हमारे मित्रों को। ये खाने की चीज है, खाने। हाँ, क्या है उसमें? मीट। हाँ, सम वेजिटेबल। हाँ, बट इट्स लाइक ए रोटी बट अंदर ना समझ। आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी रोटी है, गोल है, उसमें हम सब्जियां डालते हैं, उसके बाद मीट डालते हैं, उसके बाद हम लगभग तो 20 आधे घंटे पकाते हैं, उसके बाद वो हो जाएगा, गल जाएगा, पक जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा मसाला डाल के हम खाते हैं। वो ऐसा पारंपरिक खाना है हमारा, और तुर्की में सब लोग पसंद करते हैं खाने उसको, बहुत स्वादिष्ट होता है। पापा मेरी कार तो दिखाई नहीं। हाँ देखिए ये एक कल बटला हाउस के मार्केट से एक नई कार लेकर के आए हैं, ये बहुत सुंदर है, इसमें ये भी होता है, विंडो भी खुलते हैं, गेट भी खुलते हैं, गेट भी खुलते हैं, और ये काफी अच्छी चलती है, मजबूत भी है, मेटल की बनी हुई है। हाँ देखो टूटती भी नहीं है, टूटती भी नहीं है, बिल्कुल सही। तो आपने जो भारत के बारे में पढ़ा है कुछ आप साहित्य भी पढ़ पाए हैं? साहित्य क्या संस्कृत का है? भारत के कार की बता, कैसे कार बड़ी कार कैसी होती है, छोटी कार। ठीक है बता। थोड़ा सा मुझे मौका मिला पढ़ने का पीछे से साहित्य हिंदी का, हिंदी साहित्य का इतिहास, मुझे एक किताब मिली थी उसको पढ़ी थी थोड़ी सी, क्योंकि मैं जानना चाहता था, हिंदी तो सीख रहे हैं वो तो ठीक है, पर उसका साहित्य क्या है और साहित्य कैसे विकास हुआ अभी तक, और उसमें क्या क्या मिलता है, कैसी रचनाएं मिलती हैं। तो मौका मिला थोड़ा सा पढ़ने के लिए, वो मैंने पढ़ा था थोड़ा सा कि उसके बाद नामकरण के बारे में लिखा हुआ था, और आदिकाल मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में थोड़ा सा मौका मिला मुझे पढ़ने का, पर इतने ज्यादा रिसर्च तो किया नहीं मैंने। आप तुर्की में कहाँ से हैं?
अंकारा से। अंकारा तुर्की की राजधानी है और हंदे अंकारा से। आप कहाँ से हैं तुर्की में? मैं तुर्की में अंतरले से हूँ, जो दक्षिण में पढ़ता है। मैं अंकारा विश्वविद्यालय में, अंकारा में पढ़ाई करता हूँ। आप कहाँ के रहने वाली जेनेत? अदना से, तुर्की के दक्षिण से। दक्षिण से? दक्षिण। हाँ, अदना के बारे में कहते हैं, अदना गाँव का इलाका है, लोग खूब मिर्ची खाते हैं। वहाँ बड़ा शहर होता है। बड़ा शहर है अदना? यस। अच्छा, तो वहाँ सब्जियाँ आती है बहुत सारी, और जो भी कोई गांव का दिखाई देता है तो वो कहते हैं देखिए ये अदना का है। सब्जी वहाँ बहुत अच्छा होता है। आप बोलो, आप बोलना चाहते हैं बताओ। ये अलमारी आपको पीछे देखते, एक अलमारी पापा के, एक अलमारी मम्मी के, पर पापा इतनी बड़ी वो कैसे पढ़ सकते? कौन सी है बड़ी बुक, दिखाओ। अच्छा, भाषा कोश। हाँ, वो उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो देख पाएंगे। आप बैठ जाओ, दिखाएंगे उसको। भारतीय भाषा कोश है, तो एकलव्य का कहना है कि इतनी बड़ी बुक कैसे पढ़ सकते हैं। ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित भारत की जो 8वीं अनुसूची वाली भाषाएं हैं, उन सब का कोश है। एक साथ एक शब्द दिया हुआ है और उसके साथ में उसके सभी भाषाओं में क्या उसको कहा जाता है वो दिए हुए हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भारतीय भाषा कोश है जो आपको दिख रहा है। हाँ, देख उठाओ, देख लिया बेटा सबने, देख लिया सबने। रुको, मैं लो अब दिखाओ कहाँ है। जहाँ मेरा हाथ है वही भारतीय भाषा। हाँ, भारतीय भाषा कोश, ठीक है। अब आप बैठ जाइए। तो आप अपने दोस्तों को जब यहाँ के बारे में बताएंगे, तुर्की के बारे में, और आप आपने कहा आप मास्टर्स भी करना चाहते हैं, तो आप क्यों मास्टर्स करना चाहते हैं और भारत की शिक्षा पद्धति के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में क्या बताने वाले हैं? मैं यहाँ तो अगर मौका अवसर मिलेगा तो बिल्कुल एमए करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है, ये सब अध्ययन तो बिल्कुल ढंग से किया जाता है। और हम तो हिंदी और हिंदी का साहित्य अगर उनका अध्ययन करेंगे तो उसी देश में करना तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपको भविष्य में एक बड़े एंडोलॉजिस्ट के रूप में देखना चाहता हूँ। हाँ, आप क्या कहना चाहते हो? जो हम बोल रहे सारे वीडियो है वो आपको, आप बोलिए क्या? सारे वीडियो है वो हम आपको चैनल करेंगे। क्या क्या बात? हाँ, आप लोगों के कुछ सवाल हो तो आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं, सवाल लिख सकते हैं यहाँ पे, उन पे हम अभी बात कर सकते हैं, बाद में भी बात कर सकते हैं। आप लोगों कोई सवाल हो तुर्की के बारे में, आप कुछ जानना चाहते हो, और या इंडोलॉजी के बारे में, हिंदी सीखने की मुश्किलों के बारे में, इस पे तो हमें बात करते हैं। हिंदी सीखने में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगता है, अगर आप तुलना करें कि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं और हिंदी सीख रहे हैं? मुझे तो ये ज़्यादा मुश्किल लगा कि उच्चारण जो है, उच्चारण ज़्यादा मुश्किल लगा, उच्चारण ज़्यादा मुश्किल लगा, क्योंकि यहाँ तो हमारी मातृभाषा। हवाई जहाज जा रहा है, ये जहाँ पे घर है वहाँ से ऊपर हवाई जहाज का रास्ता है, हवाई जहाज जा रहा है ऊपर से, तो आप सुन नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने रोक दिया ओजान को। हाँ, हिंदी सीखने में क्या मुश्किल सबसे बड़ी आती है? ये मुश्किल लगता है हमें कि उच्चारण करना, क्योंकि हमारी मातृभाषा जो है तुर्की है, उसमें सारी आवाज़ तो दांतों से निकलती है, और हिंदी में तो मेरे हिसाब से हर जगह से निकलती है, इतना मुश्किल है उच्चारण करना। पर वो भी अपने आप सुधर जाएगा, उसकी चिंता करने की कोई आवश्यक नहीं है। आपको हिंदी में क्या मुश्किल लगता है? उच्चारण। और हिंदी का व्याकरण आसान है? Because you have four, five, tha, and na, everything is same for us. We can't say ta 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 ta, little bit. Ta ta.
विचार है तो इनको उनके लिए एक ही ध्वनि है वहां पर, ये मुश्किल है, इसलिए चारों को डिफरेंशिएट करना, इनको अलग करना। हमारे मित्र कह रहे हैं इनको राजस्थान की संस्कृति के बारे में बताएं। हाँ जनत, पहले आप बताइए आपको हिंदी में क्या मुश्किल लगता है? कभी कभी मैं समझना, मेरे लिए समझना मुश्किल होता है क्योंकि कुछ लोगों अलग अलग उच्चारण बोल रहे हैं, इसलिए मैं नहीं समझ सकती हूँ ये मुश्किल होता है। हाँ, इनका कहना है कि जो हिंदी को लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं, क्षेत्रीय प्रभावों में उसकी उसके उच्चारण अलग होते हैं, उसकी ध्वनियाँ अलग होती है, वो एक विदेशी के लिए समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि विदेशी तो एक मानक हिंदी सीखते हैं, जैसी एक अध्यापक उनको सिखाता है वैसी हिंदी, या जैसी किताबों में लिखी है वही हिंदी वो जानते हैं, जबकि हम हिंदी को कोई 50 तरह से बोलते हैं। किसी का शायद सवाल आया? नहीं, सवाल नहीं है, शुभकामनाएं हैं। अच्छा, तो ये त्योहारों का मौसम चल रहा है और त्योहारों में आपको मुझे लगता है पसंद आए होंगे। बिल्कुल पसंद आए। और मिठाइयाँ, खास तौर पे बहुत तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं यहाँ पे लोग, मिठाइयाँ खाते हैं। और आपने कहा हिमाचल प्रदेश में गुलाब जामुन भी बड़ी अच्छी बनती है सोलन में। सोलन और अंकारा तो एक जैसे है लगभग। सोलन अंकारा मतलब किस वजह से, किस मौसम? मौसम, हाँ मौसम तो ऐसा लगता है ना, मौसम सामान लगता है। और साफ सफाई भी है वैसे ही, प्रदूषण भी नहीं है ऐसे तो कह सकते, प्रदूषण भी नहीं है, प्रदूषण तो बहुत, पर चढ़ाई बहुत चढ़नी पड़ती है। चढ़ाई तो मार देते हैं हमें, हम तो बर्बाद हो गए, चढ़ के थक जाते हैं, क्या कर सकते। कुछ और आप कहना चाहते हैं ऐसी बात हमारे मित्रों को कि जो आपको दिलचस्प लगी हो, आप शेयर करना चाहते हो ऐसी कोई बात, जैसे जामा मस्जिद वाला प्रकरण है, लोग फोटो खिंचा रहे थे। हाँ जी, मेरे हिसाब से वो तो होता रहता है, जब कोई जो कोई गोरा अंग्रेज आते हैं तो लोग फोटो लेने चाहते हैं, वो तो समझ सकता हूँ मैं, वो हमारे देश में भी वो बात होती है, जब कोई अंग्रेज या विदेशी आते हैं तो वो बात होती है। वहाँ पे भी अंग्रेजों के लिए यही क्रेज है जैसे भारत में है, उसी तरह का व्यवहार रहता है, क्योंकि वहाँ पर तो सब गोरे हैं, अंग्रेज को कैसे आप अलग करते हैं? अंग्रेज वो तो गलत बोला होगा मैंने, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, हम बस विदेशी बोलते हैं। यहाँ अंग्रेजों की बात अलग है, मतलब कब्जा कर लिया था यहाँ 200 साल, 300 साल, वो अलग बात है। हाँ जी, तो ये थे हमारे साथ में आज, और आपको कुछ कहना है? कुछ, हाँ कुछ बोलो। I loved India, especially Delhi. Delhi is big city and beautiful city. मेरठ के बारे में कुछ नहीं बताया आपने, मेरठ भी गए थे, यूपी गए, मथुरा गए, आगरा, थोड़ा थोड़ा अपने अनुभव बताइए उसके बारे में। We went to Agra and we went our friends hostel and they are very friendly and helpful always. Indian people generally helpful and friendly. And we went Taj Mahal. Taj Mahal is perfect historical place. आप यूपी के अपने अनुभवों के बारे में, मेरठ, आगरा और मथुरा तीनों यूपी में। यूपी में हम लव प्रेम मंदिर देखे। प्रेम मंदिर मथुरा में। मथुरा में अच्छा लगा? बहुत अच्छा था। और आगरे का ताजमहल। ताजमहल, हाँ। तो आप अपने उत्तर प्रदेश के अनुभव, क्योंकि जो तीनों हैं मथुरा, आगरा और मेरठ, तीनों उत्तर प्रदेश में हैं, तो उनके अनुभवों के बारे में बताइए। मुझे सबसे ज्यादा यूपी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश में तो शहर से दूर थे और वहाँ बहुत ही शांति थी, शांति मिलती थी। जब हम यूपी गए थे एकदम ऐसे जहाँ पे ज़िंदगी तेज़ चलती है, गाड़ियाँ शोर बहुत है और भीड़ बहुत है, तो हमें
मुझे तो कम से कम बहुत खुशी मिली, और वहाँ पे कई मंदिर देखे हैं हमने, बहुत घूमा है। और जब आगरा गए थे, आगरा तो ज़्यादा पहले गए थे हम, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और ताजमहल में तभी तो इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि हम बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। पर ताजमहल तो बिल्कुल शानदार है देखने से, अंदर इतना अच्छा नहीं लगा, पर उसके अलावा देख कर बहुत ही प्रेरणा मिलती है, शांति मिलती है। प्रेरणा मिलती है? हाँ जी। क्या प्रेरणा मिलती है? ज़्यादा पढ़ाई करने का, घूमने का। ताजमहल देखकर ज़्यादा पढ़ाई करने की प्रेरणा मिलती है? हाँ, ताजमहल तो प्यार का प्रतीक है। हाँ, वो भी मिलते हैं, प्रेम का भी एहसास होता है वहाँ पे, मतलब हर एहसास तो मिलता है जब एक बार देखते हैं, और पहली बार देखते हैं ज़्यादा एहसास होता है। पढ़ाई का भी एहसास है और प्रेम का, मतलब पढ़ाई करेंगे तो प्रेम मिलेगा। हाँ, वो ये सब ताजमहल बनवा पाएंगे। हाँ, ये सब चीजों से मिश्रित है एक दूसरे से, मतलब लगे हुए हैं। अंतालय में एक वो होटल था ताजमहल जैसा, याद है आपको? हाँ, याद है। वो तो लोग साथ में, हाँ साथ में घूमने गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे एक होटल था जिसको उन्होंने होटल ताजमहल नाम दे रखा था। ताजमहल जैसा भारत बाहर से थोड़ा एक संरचना बनाई हुई थी। तो आखिर में यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे सिर्फ इस सवाल के साथ कि तुर्की और भारत की अगर तुलना करें, वैसे दो देशों की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, वो अपने अपने खास होते हैं, खूब उनकी खूबियाँ होती हैं, फिर भी क्या चीज़ें हैं जो दो देशों को और करीब ला सकती हैं, क्या चीज़ें हैं जो रोकती हैं? क्योंकि भारत और तुर्की के संबंध काफ़ी कम है। जी, काफ़ी कम है संबंध तो, पर मुझे ऐसा लगता है वो एक्चुअली मैं कैसे बताऊँ, वो एक चीज़ भी नहीं है कि यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ लोगों को मतलब रहने का तरीका तेवर है, एतदूत के तरीका, और खाने का, बैठने, ये सब चीज़ है, सब चीज़ मिलते हैं, खाने का, बोलने का, मुझे तो बहुत ही मतलब एक दूसरे से लगे हुए लगते हैं, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। आप कुछ कहना चाहते हैं भारत और तुर्की के रिश्तों के, मतलब दोनों समाज और देशों के बारे में? There is no difference, I think. दोनों एक जैसे हैं? Yeah. मुझे तो बहुत अलग लगा था यहाँ से जाने पे। Sometimes difference, yes. Sometimes no difference. Because two different country. It can be. That's normal for us. Cennet. अच्छा है हिंदुस्तान? बिल्कुल अच्छा, इसलिए यहाँ आई। अच्छा रहा एक्सचेंज प्रोग्राम में आकर के, अच्छा लगा। बाकी जो सहपाठी है उनसे काफी ज्यादा सीखने को मिला। मैं सीखी हूँ। फिर आना चाहती हो भारत? बिल्कुल आऊंगी। ठीक है, मैं आप तीनों को बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। खूब आगे बढ़िए, अच्छी पढ़ाई करिए। आपने यहाँ आए आप और ये समय दिया अपना और वक्त बिताया हमने साथ में, हमें बहुत खुशी हुई। हमारे मित्र भी आपसे अगर कोई सवाल पूछेंगे तो मैं आप तक पहुँचाऊँगा वो सवाल जी। लेकिन आपका इसी तरह से सिलसिला जारी रहे, और भारत के बहुत सारे हिस्से हैं जो अभी देखने बाकी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश का भी ये पश्चिमी हिस्सा आपने सिर्फ देखा है, अभी दक्षिण भारत है वो पूरी तरह अलग है। हाँ, और फिर अंडमान निकोबार और अलग है, पूर्वोत्तर की एक अलग बात है जी। तो भारत तो बहुत विविधताओं वाला देश है, और इसीलिए हम इसको प्यार करते हैं। और दरीगा मैडम भी हमारी देख रही हैं। दरीगा जी नमस्ते, आप देख रहे हैं, आपके विद्यार्थी हमारे साथ हैं अभी जी। और जनवरी में आपके पास आएंगे फिर जी। तो फिर मुलाकात होगी आप में से जो भी, ये अभी 15 जनवरी तक भारत में है, आप तुर्की के बारे में या कोई इनके साथ में मिल करके कोई ऐसा तुलनात्मक रिसर्च करना चाहते हैं, अनुवाद करना चाहते हैं, मिल करके चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो आजकल ये शुलिनी विश्वविद्यालय में है, ओजान, जन्नत और हंदे। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है मित्रों, फिर बात होगी। शुक्रिया देखने के लिए। धन्यवाद।